हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इसका टॉपिक है अलार्म डिलीट कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन और फ्रेंड्स हम और अलार्म डिलीट कैसे करें, यानी कि आप उसको कैसे हटा सकते हैं अलार्म, वो बताऊंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये नंबर और लॉक अचानक से बंद हो गया था मेरा। तो फ्रेंड्स, आप डायल पैड को, सॉरी फ्रेंड्स, अलार्म का हटाने के लिए आपको क्लॉक ऐप पे जाना है। तो आपको यहाँ ऊपर दिखेगा कि अलार्म मेरे सेटिंग्स को डिसेबल करने के लिए आपको कैसे करना है। ये देख सकते, 6 बजे के लगा रखी हूँ उसको इसको डिलीट करने के लिए आप उसको प्रेस करके रखेंगे। आपको यहाँ दिख जाएगा डिलीट ऑल, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका अलार्म डिलीट हो जाएगा जब आप अलार्म सेट करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, अलार्म सेट है। अगर आप चाहते हैं 1 दिन के लिए ऑफ रहे तो उसको डिसेबल करके रखें, जितने बजे आप ऑन करेंगे उतने बजे ऑन हो जाएगा इस प्रकार से। और ये ऑटोमेटिक ऑन होने वाला है, जब टाइम वन सेट करना होता है इस प्रकार से फिर से डिसेबल कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट ऑल पर क्लिक कर देंगे, आपका अलार्म हट जाएगा फिर से। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में अलार्म को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।